हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके पे। तो आज हम लोग फिर से उपस्थित है परसेंटेज का पार्ट फोर लेकर। पार्ट फोर तो पार्ट थ्री तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं। और प्रतिशत को कैसे मैंने सरल तरीका से बताया है इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो भी धमाकेदार होने वाला है कि इस प्रतिशत ट्रिक्स द्वारा आप लोग किसी भी परीक्षा में हल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आने वाला है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अंतरिण छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए कैसे आप लोग इसको हल करने वाले हैं। चलिए आप लोग सीख लीजिए कि कैसे आप लोग बहुत ही जल्दी हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश में कर रहा है 60%, इंग्लिश में 60%, और हिंदी में कर रहा है 70%, हिंदी में कर रहा है 70%, और दोनों में कर रहा है इंग्लिश प्लस हिंदी में कर रहा है 40%। तो कर रहा है कि तब उत्तीर्ण कितना में, अनुत्तीर्ण कितना में हुआ, प्रतिशत में बताना है। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी कर लीजिए और माइनस ई प्लस एच कर लीजिए। देखिए कैसे आंसर आता है। तो इंग्लिश प्लस हिंदी, तो इंग्लिश है 60, तो 60 कर लीजिए और 70 कर लीजिए, और माइनस ई प्लस एच यहाँ पर 40 घटा दीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 130 माइनस 40, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90। यही 90 हमारा आंसर नहीं हो जाता है। तो जितना आए उसको 100 में से घटा लेना है, जो बचे आपका वही। तो 10% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ। तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इसका हल होने वाला है। तो इसी तरह पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% व्यक्ति विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। यदि 17% व्यक्ति दोनों में फेल हो गए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। देखिए फेल का यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 52% व्यक्ति जो हिंदी में जो है वो 52% व्यक्ति फेल हुआ है, और कह रहा है कि अंग्रेजी में 42%। तो अंग्रेजी में 42% जो है वो फेल हो गया है, और दोनों में कह रहा है, तो दोनों में कह रहा है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कह रहा है कि 17% फेल हुआ है। तो बताना है कि कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो पास हुए हैं, कैसे इस प्रश्न को हल करना है। तो ये भी उसी तरीका से बनाइए। तो हिंदी प्लस इंग्लिश कर दीजिए और माइनस कर दीजिए एच प्लस ई कर दीजिए। देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश तो 52 प्लस 42, और यहाँ पर से 17 घटा लीजिए, दोनों को जोड़िए 4, यहाँ पर जोड़ दिए 9, और माइनस कर दीजिए 17, 94 में से तो यहाँ पर 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 8 में से 1 घटेंगे तो 77% जो है, तो 77% ही आंसर नहीं आता है। 100 में से आप लोग 77 घटा दीजिए, तो 77 घटाइएगा आप लोग तो आप लोग का जो आएगा वो 23% आ जाएगा। तो 23% जो है वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से और जल्दी इस प्रश्न को बना पाइएगा। तो इस वीडियो को इसी तरह बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। आप लोग विचार रहा है कि किसी कक्षा में
72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए, जितना पढ़ने में समय लगेगा उससे कम आपको बनाने में समय लगेगा। तो चलिए सीख लीजिए कैसे इस प्रश्न को बनाना है। तो देखिए कह रहा है कि बायोलॉजी में 72% भाग लिया है और मैथ में कह रहा है कि 44% भाग लिया है। मैथ में 44% भाग लिया है और दोनों में बायोलॉजी प्लस मैथ मिला के टोटल जो है वो 6 विद्यार्थी ये संख्या में दे दिया है। दोनों प्रतिशत में है लेकिन ये संख्या में दिया है। कैसे इसको हल निकालेंगे कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, आइए सीख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो बायोलॉजी प्लस मैथ को आप लोग जोड़ दीजिए तो 72 प्लस 44 जोड़िएगा तो 4 2 6 7 4 11 116 आ गया। 116 आ गया। मात्र आप लोग को 100 में से घटा लेना है। 100 में से घटा लीजिएगा तो देखिए 16% आ गया। तो यही 16% के मान 40 दिया हुआ है। 16% = 40 दिया हुआ है तो 1 बराबर हम लोग करेंगे तो 40/16 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 आ जाएगा तो 1/2 तो 100 बराबर हमारा आ जाएगा 250। तो जो विद्यार्थियों की संख्या जो हो गया वो 250 हो गया। तो देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से इस प्रश्न को हमने हल करना सिखा दिया है। तो इसी तरह आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच और ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के तो तथा 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग फटाक से हल करना सीखेंगे। तो कह रहा है कि जो बॉय है वो 1000 है। मात्र इसको आप लोग को देखना है और इसका हल आ जाएगा। गर्ल्स जो है वो 800 है। इसमें कह रहा है कि 60% लड़के पास है, 60% लड़के पास है और 50% लड़कियां पास है। तो मैंने आप लोगों को प्रतिशत निकालने का ट्रिक बताया था कि 1% इसका हम कैसे निकालेंगे। 100 से भाग दे दीजिए आप लोग का 1% आ जाएगा। तो बॉय का देखिए यहाँ पर आ गया कि 1% = 10 तो 60% = यहाँ पर 600 आ गया। 600 आ गया मतलब कि फेल कितना हुआ है, 400 फेल हुआ है। और इसमें से देखिए 50% मतलब कि आधा तो यहाँ पर 400 पास हुआ है और 400 फेल हुआ है। तो देखिए दोनों का हम लोग यही दोनों को हम लोग को प्रतिशत में निकालना है। तो 400 और 400 मिला के हो गया टोटल 800। टोटल 800 अब हम लोग को टोटल में निकालना है तो यही 1800 टोटल हो गया 1800। 1800 का 800 कितना प्रतिशत है देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। ये 800 का निकालना है तो 800 को 18 से भाग दे दीजिए क्योंकि ये 1800 है। 1800 को हमने 1% बना लिया 18, 1% बना लिया 18 और इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 44.4% आ जाएगा। जो यही आप लोगों को निकालना है कि 44.4% जो है छात्र अनुत्तीर्ण है और इसके 100 से घटा लीजिएगा तो जो बचेगा वो पास है। तो फ्रेंड पांचवा प्रश्न आप लोगों के बीच है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए और 10% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों 44 विद्यार्थी पास हुए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश में 70% पास हो गए हैं
और मैथ में कह रहा है कि 80% पास हुए हैं, और यहाँ पर है कि 10% जो है वो दोनों में फेल हो गए हैं, दोनों में फेल हो गए हैं। आप प्लस कह रहा है कि इंग्लिश प्लस मैथ में 144 विद्यार्थी जो हुए वो पास हो गए हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम हल, चलिए आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप लोग इंग्लिश प्लस मैथ कर दीजिए, इंग्लिश प्लस मैथ कर लीजिए, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इंग्लिश प्लस मैथ। तो मैथ करने के लिए यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 70 प्लस 80, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10% माइनस होगा, तो हम लोग 100 में से 10 माइनस कर लेंगे, 10 माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 90, क्योंकि 10% फेल हो गया है, 10% दोनों में फेल हो गया है, तो 100 में से हम घटा देंगे। अब हम लोग निकालेंगे, तो 150 में से 90 आप लोग घटा लीजिए, तो 90 घटाइएगा तो आप लोग आ जाएगा 60, तो 60% आ गया, यही 60% बराबर दिया हुआ है 144, 60% बराबर 144। तो इसको हल कीजिएगा तो 1% बराबर आएगा 2.4, 1% बराबर 2.4, वही आप लोग 100% बराबर कीजिएगा तो 240 आ जाएगा, जो यही आप लोग का आंसर होगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल करना है कि आप लोग जल्द से जल्द इस प्रश्न को हल करना सीख जाइए।